सर हम जैसे कि बात कर रहे थे कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती हैं, कुछ जुज़ियात होती हैं जो हमारी जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती हैं, छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं। अगर हम उनको देखें और उन पे तवज्जो दें तो हम अपनी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। इसी तरह एक कम्युनिकेशन जो है वो हमारी जिंदगी का बड़ा लाजमी जुज्व है। कहते हैं कि अ गुड और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक थिंग्स, और जिस तरह न्यूटन ने कहा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इसी तरह कम्युनिकेशन का एक होता है रिएक्शन फीडबैक, जो जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा हमारे लिए जिंदगी गुजारने में आसानी होगी। हमें चलते फिरते फीडबैक मिलता रहता है, इट्स लाइक पेट्रोल की तरह होता है कि अगर आपको फ्यूल अच्छा मिलता रहे तो आप जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। और इवन मैं कहीं पढ़ रहा था, कह रहे थे कि फीडबैक इज लाइक विंडो टू फ्यूचर। सर क्या फीडबैक वाकई इतना इम्पोर्टेंट लगता है आपको लाइफ में? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम्युनिकेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा जोर दी और इस्लाम में इसकी अहमियत बहुत वाज है। हम चूँकि हमारे पैरामीटर्स जनरली लाइफ के हम ड्रा करते हैं हमारी पसंदीदा शख्सियात से और हमारे पसंदीदा सिस्टम से, तो इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो तो उसे बताओ। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें मशवरा करने के लिए कोई नहीं मिले तो इवन दीवारों से मशवरा कर लिया करो। तो उसकी क्या वजह है, क्यों ये चीज़ें इतनी अहम हैं? आई थिंक कम्युनिकेशन हमारी और लैंग्वेजेस की हिस्ट्री उतनी पुरानी है जितनी इंसानियत है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें, वो उसे समझ सके और फिर वो पर्सन जवाब दे सके आपको, विच अगेन एंगेज इज अ मीडियम। बीच में एक मीडियम होना चाहिए जिसमें जो आप यूज़ कर सकें, चाहे वो इशारों की ज़बान है, चाहे राइटिंग है, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन है आपके। और फिर कम्युनिकेशन में हमारे वर्ड्स जो हैं वो दे प्ले अ वेरी स्मॉल रोल। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, आपकी टोन, आपकी ये सारी चीज़ें प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बच्चा जब बोल नहीं सकता कम्युनिकेट करता है आपसे। कम्युनिकेशन कैसे होती है? फीडबैक से। भूखा है तो चीखे चिल्लाएगा, पसंद करेगा तो मुस्कुराएगा, आपके पास आना चाहेगा। तो ये कुछ चीजें इसमें फितरी और जबिली हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करते हैं। तो इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं कि आप पे फीडबैक का क्या असर और कैसे होनी चाहिए फीडबैक, और फीडबैक क्यों जरूरी है। देखिए फीडबैक अगेन मैं जी फीडबैक अगर इतनी इफेक्टिव चीज है जितनी आप बता रहे हैं तो हम इसे इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों कंसीडर करते हैं? हम इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं कि अगर जब हमें कोई फीडबैक मिलता है? देखिए फीडबैक इतनी अच्छी चीज है। हाँ, ये इट्स अबाउट वेरी गुड पॉइंट। फीडबैक इफेक्टिव नहीं होती, फीडबैक इफेक्टिव बनाई जाती है, हम लोग उसे बनाते हैं। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चा जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे की आप एग्जाम्पल यूज करें, बच्चा अगर आपको ना बताए कि बच्चा भूखा है तो हाउ विल यू नो? ठीक है ना। इसी तरह बच्चा मुस्कुराता है, आपको पसंद करता है, आपके पास आना चाहता है, ये सारे एक तरह से फीडबैक के मैकेनिज्म्स हैं। बड़ों पे इसे अप्लाई करते हुए हम ये देखते हैं, आपने आपने लेट्स से एक कहीं पे आपने एक डेलिब्रेशन थी, स्पीच की आपने, ठीक है, बात की लोगों से, आपको कोई आइडिया नहीं है कि जी उन लोगों पे इसका क्या असर हो रहा है। हाउ विल यू नो? हाउ विल यू नो, सवाल है भाई। या अच्छा सवाल, मतलब हाँ। यही पता चलता है कि बाज़ों का कोई आपसे तभी पता चलता है आपको, इवन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, इवन वाइब्स आ रही होती हैं तभी पता चलता है। इस फीडबैक या सब चीजें फीडबैक है। वो जमाइयां ले रहे हैं, वो यू नो ताली बजा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो ये सब फीडबैक है। वो कहते हैं बर्नार्ड शॉ वाज अ वेरी वेरी यू नो sharp-witted and you know high level of sarcasm person, or us time pe it seemed like it prevailed, Churchill aur baki log bhi yahi kiya karte the. To Bernard Shaw ko uske ek dost ne invite kiya apna ek play dekhne ke liye, playwright tha, usne kaha ji udhar
आप आए देखने के लिए। तो बर्नार्ड शॉ गया, प्ले शुरू हुआ, वो सो गया उधर, सो गया तो प्ले खत्म हुआ, फिर वो उठा तो उसके दोस्त ने बुला के उसने कहा यार मैंने तुम्हें बुलाया था कि वो देख के मुझे बताना, फीडबैक देना अपनी, तुम सो गए। उन्होंने कहा मेरी वही फीडबैक थी, आप अगर आपकी तकरीर आपकी बात किसी को बोर कर देती है सुला देती है तो इसमें इफेक्टिव फीडबैक दम नहीं है तो ऑब्वियसली। मसला कहाँ होता है? मसला वहां पे होता है जहां आप उस सिग्नल को, उस वर्ड को, उस पिच टोन या जो भी चीज आप कह रहे हैं उसे आप डिसाइफर नहीं कर सकते, जब आपको ये पता नहीं चलता कि यार इसका मतलब क्या है। जैसे आपने कहा ओ ज़ियाद तुमने बड़ी अच्छी शर्ट पहनी यार, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अब दिस कैन गो इन एनी डायरेक्शन कि मैं शर्ट की वजह से अच्छा लग रहा हूँ, रोज में अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं अच्छा लग रहा हूँ, यू नो आज चूंकि मैंने कपड़े डिफरेंट पहने हुए हैं, I can take it in any way. I can be offended by this. कि जी, what do you mean? कि आज अच्छा लगा। receiver की perception पे भी depend करता है कि वो उसे कहाँ ले जाए। Exactly. Plus आपकी understanding उस person से कितनी है। आप उसके बातों को कितना समझ सकते हैं? ठीक है ना? You can enjoy sarcasm and wit if you understand that person. कि जी हाँ ये इसकी इसका मतलब ये है। And you can't enjoy that if you don't understand that. फिर हमने certain establish कर लिए ways. To communicate in a certain way. ठीक है ना? Lot of times जब आप किसी को कोई चीज बताते हैं और unless के पहले से आप disclaimer दें कि भाईजान ये या बाजी या whatever, मैं ये आपकी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ और इसका मकसद ये नहीं है कि जी मैं आपको put down करूँ या आपकी तस्दीक या बात उड़ाऊँ, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जी मैं आप अपने आप को बेहतर बेहतरी constructive feedback sir जिसे कहते हैं उसे हम हाँ हमने हर चीज के लेबल्स और नाम रखे हुए हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। अब बहुत सी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है? मेरे कहने से कोई चीज कंस्ट्रक्टिव नहीं बन जाती, आप उसे कैसे परसीव करते हैं दैट मेक्स इट कंस्ट्रक्टिव। ठीक है ना? तो मैं जितनी मर्जी नेक नियति से खुलूस नियति से उसे पॉजिटिव बना के पेश करूं लेकिन जब तक आप उससे नहीं उस तरह लेंगे कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपने रिकॉर्डिंग पॉजिटिव नहीं होगी, ये फीडबैक पॉजिटिव नहीं होगा। अब एक गाना है जो कॉकर का, उसमें वो कहता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल सी। उसके बाद वो दो वर्ड्स ऐड करता है टू मी, दैट चेंजेस द एंटायर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? आप इसका मतलब ये है कि ओ ये पर्सन मुझे इतना पसंद करता है कि मैं इसके लिए ब्यूटीफुल हूँ। ये भी हो सकता है कि बाकी सब के लिए तुम अगली हो ज्यादा, लेकिन मेरे लिए ब्यूटीफुल हो। ठीक है ना? तो एक पॉजिटिव चीज ये भी तो हो सकती है आपके आप अगले के लिए खूबसूरत लगना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके लिए वो भी काफी हो सकता है, और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि मैं बाकी उनकी कोजा लगता। देखिए ना, अगेन इट कम्स डाउन टू के आप कैसे उसे ले रहे हैं, आप अच्छे मूड में है बुरे मूड में है, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है, उस चीज को आप कैसे लेते हैं। ये जैसे दो तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी, इनसे यू कैन दे कैन गो इन एनी डायरेक्शन इन ईदर वे। अच्छा सर, मैंने जितना भी फीडबैक अपनी सोसाइटी में देखा, इवन अपने आप को ले लें, हम कभी भी फीडबैक बैक को ओपन हैंडेडली नहीं लेते ना, कि मतलब कि उसे खुले दिल से कबूल करें, कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? कोई हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कोई सोसाइटल प्रॉब्लम है या क्या है? इट कैन बी ऑल ऑफ द अबाउट, डिपेंड हो जाता है। ऑफ कोर्स इट कैन बी ऑल ऑफ द अबाउट। आप किसी भी पाकिस्तान में स्पेशली और पंजाब में, पंजाबियों की सोच जो बहुत फजी होती है, क्लैरिटी उसमें नहीं होती। ठीक है ना? इसी तरह ये जो सारे हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव गुड बैड, ये सारे सब्जेक्टिव हैं बहुत ज्यादा। ओके, ठीक है ना? पॉजिटिव आपके लिए पॉजिटिव है, मेरे लिए नहीं हो सकता है, किसी और के लिए मत यू नो वो पॉजिटिव उसे। इसी तरह गुड या बैड जो है वो भी डिफरेंट है हर एक के लिए। ठीक है ना? तो मैं अपनी तरफ से जितनी मर्जी पॉजिटिव बात करूं, अनलेस यू टेक इट इन दैट स्पिरिट, इट डजंट मेक इट पॉजिटिव। हमारे दरमियान फड्डा हो सकता है, बलवा हो सकता है, और आई मे नेवर नो कि ये क्या हुआ यार, मैंने तो बड़ी अच्छी बात की थी, मैंने इसे ठीक करने के लिए बताई थी, तो इसने तो टोटली डिफरेंटली है। ठीक है? तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट। आपको याद हो काफी अर्से पहले एक ड्रामा आया था जिसमें वो कैरेक्टर होता है, कॉमेडी कैरेक्टर आबिद कश्मीरी ने किया, जिसमें कहा बात समझ आ गई है ना। ठीक है ना? तो वो जिस भी तरह से मर्जी कहे,
आप उसे कहते हैं कि यार ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पैरामीटर्स हमने बनाया, आप उसमें बात करें, लेकिन वो आपसे कहते हैं यार बात आ गई ना समझ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जी आप जिस भी मर्जी स्टाइल में या तरीके से या मीडियम में बात करते हैं, क्या दूसरे को समझ आई है वो बात या नहीं आई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आज के व्हाट्सएप और ये कम्युनिकेशन जो बहुत ही इंस्टेंट और फास्ट हो रही है, इसमें आप जुमलों का, उनकी कंस्ट्रक्ट का दुरुस्त या गलत होने का ख्याल नहीं रखते, ठीक है। फिर हम रोमन में लिखते हैं और रोमन में हम शॉर्ट्स लिखते हैं, टीनेजर्स का या बच्चों का कम्युनिकेट करने का तरीका है जो वो समझते हैं, उनकी लिंगो, उनकी जार्गन, बड़े लोग नहीं समझ सकते, बड़ों का अपना तरीका है काम करने का। अब मेरी हमेशा ये कोशिश होती है जिससे भी मैं कर रहा हूँ बात, कि मेरा कंस्ट्रक्ट जुमले का और उसका स्टाइल या उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ही स्पेसिफिक हो, दूसरे बंदे की जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है ना। आपने कहा यार गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कैन मीन एनीथिंग, ठीक है। सो इट कम्स डाउन टू नंबर वन, आपका कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट जो आप भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं, ईमेल एंड टेक्स्ट आर वेरी इम्पर्सनल मीडियम, उसमें टोन नहीं होती, एक्सप्रेशन नहीं होता, जेस्चर्स नहीं होते, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, होता है। आप अपने मूड के मुताबिक डिपिक्ट कर लेते हैं कुछ भी उसका मैसेज, इट कैन गो ईदर वे, इट कैन गो एनी विच वे, यू नो। तो अगर ये उस कम्युनिकेशन मीडियम में ये चीजें हैं तो यू कीप इट एट दैट लेवल, हमारी कितने बजे क्या कब कैसे होना, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए आप उसे यूज करते हैं, फीलिंग्स के लिए अपनी या अपने आप समझे थॉट्स के लिए उसे इफेक्टिवली नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, अगर आप सिर्फ ऑडियो सुनेंगे तो हर चीज का मफहूम डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। विजुअल प्रॉम्प्ट्स जो है वो दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो अगेन इट कम्स डाउन टू फीडबैक की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या आपने दूसरे की कल्चरल सेंसिटिविटीज को, उसके बैकग्राउंड को, उस कॉन्टेक्स्ट को जिसमें आप फीडबैक दे रहे हैं उसे आपने जेन में रखा है या नहीं रखा, ठीक है ना। अगर एक पर्सन बॉस से झाड़ खा के आया अभी, या बीवी से, विच इज अगेन अल्टीमेट बॉस, सो उससे अगर झाड़ खा के आया है और आप उसे कोई कंस्ट्रक्टिव या गुड या पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई कैन टेल यू इट्स नॉट गोना गो वेरी वेल, इट विल नॉट। और फिर आप अपने दोस्त को, भाई को, किसी पर्सन को जिसे आप बहुत अरसे से जानते हैं, उसे वही फीडबैक दे रहे हैं एज अपोज टू अ पर्सन जिसे आप अच्छी तरह नहीं जानते, इट विल बी टेकन वेरी वेरी डिफरेंटली, ठीक है ना। आप मुझे बताइए एक कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आपने किसी को फीडबैक दी या किसी ने आपको फीडबैक दी, and it, you know, how did it go, did it backfire, how did you take it or they took it? मैं आपसे अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। I am not good at taking feedbacks ना, तो मैं बहुत डिफेंसिव हो जाता हूँ बहुत से लोगों की तरह, और ये हमारी सोसाइटी का जनरल इशू भी होगा। You're not alone. Yeah, और उसकी रीजन ये है कि अगला बाजू का उसके समझाने का तरीका ऐसा, आप देने की बजाय इस तरह शो कर रहा होता है कि भाई तुम्हें आते ही नहीं है, जो हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स का एक बहुत बड़ा मसला है, जो हमारी नौजवान नस्ल बात करने से भी इस वजह से घबराती है कि आगे से उसे बाजू का ये कह दिया जाता है। और एक सर उसमें एक और चीज बड़ी अहम है, कम्युनिकेशन गैप है। जैसे आप टेक्स्ट मैसेजिंग और दूसरी चीजों की बात कर रहे थे ना, कि जो टीनेजर्स हैं वो स्लैंग में लिखते हैं, शॉर्ट कीज में लिखते हैं, इसी तरह जब हम बात करते हैं, इवन मेरे बात करने का स्टाइल डिफरेंट है, हम जो वर्ड यूज करते हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं वो बड़ा डिफरेंट है, वो प्रिसीव करने में ही हमें इशू हो जाता है। और जितना मैंने देखा है, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है, और हमारी जो हमसे पिछली जनरेशन है उनका एक बहुत बड़ा इशू है कि जब भी वो समझाते हैं ना, तो वो बात शुरू करेंगे कि तेनू तो कुछ नहीं पता, जैसे ही वो ये वर्ड यूज करेंगे अगला तो डिफेंसिव हो जाएगा। अगर उसको इस तरीके से कहा जाए ये ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से करें तो उसके और रिजल्ट आएंगे, देन इट विल बी इफेक्टिव। अदरवाइज आप, मैं आपको कहूँ कि अच्छा जी तुसी आप इधर बैठे हैं लेकिन आप एक्सपर्ट बन गए हैं, बात आपको करनी आती नहीं है, मैं आपको बताऊं तो हाउ यू फील दैट, हमारे इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते। सॉरी जी, हमारा बेसिकली ये होता है कि इंप्रेशन जमाना मकसद होता है, समझाना मकसद नहीं होता।
हम बात सुनने के लिए नहीं करते, कोई भी सुनना पसंद नहीं करता, everybody just wants to convey and convey, बस जीतने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये चीजें फीडबैक वगैरह। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हमें बताया करते कि जी नई नस्ल हो गई है, तेरे कुछ भी नहीं, साढ़े जमाने चाहे हुंदा सी। अब हम भी यही करते हैं अपनी नई नस्ल, आपके जी ये तो टिकटॉक ने और नसीहत करते हैं और उन्होंने नहीं सुनी तो आप उस पे उदास ना हो, क्योंकि वो लोग यही नसीहत दूसरे को कर रहे होंगे, ये जाया नहीं जाती। वो इसी तरह एक बंदा था, वो बिल्कुल बिजनेस पर्सन था, वो जापान गया विजिट पे पाकिस्तानी, तो कुछ अर्से बाद वापस आया, उसके दोस्त ने पूछा कैसा रहा यार, कैसा तुम्हारा? उसने कहा यार बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मजा आया, बहुत मैंने एंजॉय किया और काम भी बहुत हुआ। तो उन्होंने कहा कोई जुबान का मसला तो नहीं आया था? उनका नहीं, मुझे तो कोई इतना नहीं आया, लेकिन जापानियों को बड़ा मसला हुआ। सो अगेन कम्युनिकेशन फीडबैक आपकी उस कॉन्टेक्स्ट में और सर आपकी बात भी आगे बढ़ाऊंगा, आपकी कम्युनिकेशन वाली बात को, कि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हम एक कॉमननेस क्रिएट करते हैं, कोई कॉमननेस होनी चाहिए, कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, ताकि आप अगले तक बात कहें, अगला आपकी बात सुने। अगर कॉमन ग्राउंड नहीं है तो दोनों एक बात पे मुत्तफिक कैसे होंगे? कॉन्टेक्स्चुअल, तो ये चीज हमें कम्युनिकेट करते हुए बड़ी मद्देनजर रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्चुअल है। अब मैं, मुझे एक कोर्स, एक ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर साहब जो थे, कम्युनिकेशन का कोर्स था, ही यूज्ड टू कॉल इट क्यूमुनिकेशन, पाकिस्तान की बात है ये, वहाँ पे थे। अब आप थ्रू आउट द कोर्स आप उन्हें ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्पेशली वक्त में 30 साल पहले हिफ्ज़े मरातब का बहुत डिफरेंट सेंस होती है, किसी को अगर आप कुछ कहने की कोशिश करते जो आपसे बड़ा है तो वो वाज टेकन एज अ डिसरिस्पेक्ट। तो यू आर सिटिंग इन अ कोर्स वेयर यू आर सपोज टू लर्न कम्युनिकेशन एंड योर इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर कैन नॉट प्रोनाउंस और डजंट वांट टू प्रोनाउंस इट, दे कॉल इट क्यूमुनिकेशन। हाउ मच आर यू गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट, और हाउ आर यू इवन गोइंग टू लिसन टू दैट पर्सन? So, the context that you establish, the things that you want to say, अगर उसमें, for example, आपको महारत नहीं है, ठीक है ना, आप office में काम करते हैं, आप अपने junior को कोई चीज़ बताना चाहते हैं और उस चीज़ पे आपको महारत नहीं है, तो chances are they will not want to listen to you, they will not respect you, they will, you know, dismiss you. उससे क्या होगा? उससे आपको भी problem होगी, ठीक है ना, क्योंकि किसी ने अगर आपको dismiss किया है feedback की वजह से, you would not take it very, you know, openly or in the spirit. Dusra, jaise aapne kaha ki agar wo shuru hi is jagah se ho rahi hai, is ek sort of jo jise negative connotation hum keh rahe hain ki yaar tum to ahmak ho, tumhe to kuch nahi pata, tum to jahil ho, aise karna hota hai. When doston mein you can use this kind of terminology or this kind of attitude, lekin ye ke wahan pe feedback lete hi nahi, doston aapse feedback nahi lete, wo to aapse different tarah se baat karte hain. They may learn it from you, you know, in directly, lekin ye hai ki wo ye nahi hota ki yaar mainu 10 main theek kara apne aap ko, theek hai na? Communication ki achhi baat hai ki aap learn kar sakte hain, zaruri nahi ki inbuilt skills ho, aap effectively definitely. by time aap bilkul learn kar sakte hain, grow kar sakte hain aur use apply kar sakte hain. Definitely, yes, a skill aur skill grow karte hain aap, skill mein deliberate interventions होती हैं, deliberate effort होती है जिसे आप करते हैं, और communication is a soft skill. ये skill ऐसा है जिसे आप कहीं भी across the board, from your home with your family to any work, any industry, anywhere you can take it. और एक चीज जो आपको मैं बताऊं, this is very very unfortunately dangerous, but we have been doing this for a very long time. Asatza, teachers play a very very important role in a person's grooming, upbringing, education. If a teacher is not an effective communicator, no matter how much knowledge they have or experience they have, they cannot transmit it to the students effectively. Which means, आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है, आप टीचर्स किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, एमए किया है, जो भी उनके ग्रेड्स हैं,
PhD किया, इस बेसिस पे करते हैं, हालांकि आपका कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर प्लेज ओनली इवन लेस देन 50% रोल इन द एंटायर लर्निंग और एजुकेशन एक्सरसाइज. बाकी चीज़ें जो हैं जो उस उस्ताद में और आप में होनी चाहिए, जो रैप हो, जैसे आप कह रहे थे कि सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन उनका होना चाहिए, वो नहीं है तो फिर आपकी आपकी एजुकेशन और लर्निंग बहुत बहुत यू नो इनइफेक्टिव. आपका इल्म एक तरफ और जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं वो एक तरफ, जितना भी इल्म है बेशक इल्म का समंदर है, अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता तो इट्स इन वेन ना. सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, और यही चीज देखिए फैमिली लेवल पे ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे चूंकि हमारे साउथ एशियन मेल स्पेशली आर नॉट वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, सो पेरेंट और सन का रिलेशनशिप आप हमेशा देखेंगे, फादर एंड सन. फादर सन का मतलब रिलेशन ऐसा होता है जिसमें बहुत गैप होता है, बिकॉज कम्युनिकेशन दे डोंट कम्युनिकेट. फादर मे बी प्राउड ऑफ देयर सन एंड दे वुड प्रोबब्ली बी टेलिंग टू एवरी सिंगल पर्सन बट नॉट टू देम. Okay, जी मुंह पे नहीं बताना क्योंकि ये फिर मगरूर हो जाएंगे या ये कर जाएंगे. और दिस इज टोटली वजह क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि वो दे वुड प्रॉब्ली थिंक के अगर आप पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस हैं या पर्सन ऑफ पोजीशन और पावर हैं तो चांसेस आर के ये फ्लैटरी में काउंट होगा. ठीक है ना, कोई आपको बता रहा है कि सर ये कमाल कर दिया आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, तो इट विल बी काउंटेड एज अ फ्लैटरी अनलेस यू मीन टू फ्लैटर द अदर पर्सन. सर ये जेंडर पे भी तो डिपेंड नहीं करता है, वही बाप बेटी के साथ और तरीके से होता है, एक्सप्रेसिव होता है बेटा. डेफिनेटली स्पेशली दोनों एक्सप्रेसिव नहीं होते दुनिया में हर जगह है. अमेरिका में जैसे यू विल हार्डली एवर सी अ फादर हगिंग देयर सन और अ सन हगिंग, हार्डली एवर. हालांकि हगिंग जो है वो इट्स अ वेरी good form of communicating your you know feelings and your emotions to the person. And this is not the case with the daughter. Feedback sara kuch iska aa jata hai, sara uska hai. Aur dusra ye hai ki agar aap position of influence ya power mein nahi hai, you are you know being an elder of the family, you become in a position of power or influence, to aap bacche ko best feedback ho sakta hai, lekin we don't do it. Ji इस वजह से कि जो ये मगरूर हो जाएगा या ये पता नहीं क्या समझेगा इससे, मतलब बाजू कदम जी भी कहते हैं कि देखने वाले क्या सोचेंगे, व्हाई दे विल एग्जैक्टली लेकिन देखने वाले मतलब कि तुझे की सोचेंगे पुत्र नु मिल रहा है भाई. जैसे मैंने अर्लियर कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो तो उसे बता दो. इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि तोहफे लें और तोहफे दें, इससे मोहब्बत बढ़ती है. तोहफा इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव, इट डजंट हैव टू बी एलैबोरेट. छोटी 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 चीजें हमारी जिंदगी में जो होती हैं, आई ऑलवेज से कि लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल डील्स नॉट बिग डील्स. बिग डील्स हमारी लाइफ में बहुत कम होती है. ठीक है, पैदा हुए एक दो इवेंट आपकी जिंदगी में बहुत इम्पैक्टफुल या सिग्निफिकेंट हुए, फिर आप फौत हो गए, इसमें आपकी इन बिटवीन ये दोनों चीजें इनवॉलंटरी हैं, इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है. जिन भी है ना, इफ यू कांट डू ग्रेट थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे. देयर यू गो. अच्छा सर एक और क्वेश्चन था मेरा, मतलब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पूछूंगा, आपको जो जनरेशन है जो आपके बाद आ रही है, टीनेज कह लें या एडल्ट्स हैं, आपको क्या लगता है कि वो कहां लेक कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या उनकी रुकावटें हैं और फीडबैक को वो कैसे ले रहे हैं, कैसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और क्या कमियां और कुताहियां नजर आती हैं आपको? ओके गुड, देखिए अगेन वही बात है कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं. दे आर वेरी गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग विद देयर एज मेट्स और देयर पीपल जो सिमिलर प्रोफाइल में, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, दे आर गुड कम्युनिकेटर, मच बेटर कम्युनिकेटर्स देन वी एवर वर. ठीक है ना, लेकिन अब आप अपने से, और अगेन कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं आप? अमेरिका में बात कर रहे हैं, अमेरिका में अ किड वुड स्टैंड अप एंड दे वुड टेल द टीचर द फादर द मदर या आप ये करते हैं हमें क्यों मना कर रहे हैं, या ये ऐसे है ये वैसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, दे विल टेल यू ऑन योर फेस. ठीक है ना, हमारे सेटअप में, साउथ एशियन सेटअप में ये नहीं होता, ये अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है ईजिली. कई फैमिलीज करती हैं, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, लेकिन लार्जली क्या इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग?
देखिए अगेन जैसे मैं पहले कह रहा था, नथिंग इज गुड और बैड ऑन इट्स ओन, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे उसे उसमें ये बनेगी और जैसे आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीजें हैं जो आप सिंपल रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टेबल तरीके से कहते हैं वो इफेक्टिव होती हैं, वही चीजें आपकी टोन या वो एग्रेसिव हो जाती है या आप उस तरह से कामली रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टफुली नहीं कह सकते तो वो यूजफुल नहीं होती, वो हार्मफुल हो जाती है, ठीक है ना। तो वाइल सोसाइटी कोई भी तो ज्यादा बेहतर है क्या? थोड़ी आपकी आपकी आवाज थोड़ी हो गई थी, आवाज आपकी थोड़ी फेड हो गई। मैं कह रहा हूँ सोसाइटी कोई भी हो बात को रिस्पेक्टफुल मैनर में कहा जाए तो वो हर जगह एक्सेप्टेबल होगा, यही आपके कहने का मतलब था और हमें भी इसी तरीके से कहना चाहिए। डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, वन इज रिस्पेक्ट। You must respect किसी भी relationship, बच्चों से आपका relationship है, बच्चों की एक personality होती है, उनकी एक say होती है, उनका एक तरीका होता है चीजें करने का। You must be respectful to them। उसमें respect का मतलब ये नहीं है कि जी आप टोपी पहन लें, दाढ़ी रख लें और आप जनाब शुरू कर दें। But there is a way to acknowledge their existence, their presence, their needs। और दूसरी most important चीज relationships में communication है। You must communicate। If you can't communicate and you can't respect a person, then there is no relationship. It's as simple as that. ठीक है ना? और आप ये देखिए बाहर से मुझे एक और question याद आ गया। जी। बताइए। हाँ, आपकी बात से एक और question मुझे याद आ गया। In some cases, मतलब care भी होती है, relationship भी सब कुछ होता है, हम communicate नहीं करते। उसके क्या reason आपको लगती है? कुछ reason है या कोई उसके psychological barriers होते हैं? As I said, कि हर context different है। हम लोग जब college में थे, मैं usually quote this in different context, it's a very, very serious incident that happened. इस्लामियात के professor साहब हमें college में, हम लोगों ने FSC सबने की हुई है, science पढ़ी है, English पढ़ी है, you know, मैं इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स में पढ़ता था, इसी तरह दूसरे लोग दूसरी जगह पढ़ते थे। तो ये सिविल लाइन का वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, या शायद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ था जिस जो मैं सिविल लाइन के बाद गया था। एनीवे, तो प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने कहा जी के वजूद करने का तरीका बताएं। हर एक ने अपने तरीके से बताया, उसने कहा जी ये करना है, हाथ धोना है, इतनी करना है, बाजू कोनियों तक धोना है, जो भी तरीका होता है वो उन्होंने बताया। लेकिन वो प्रोफेसर साहब ने किसी को, उन्होंने सबको स्नब किया, उन्होंने कहा तुम्हें कुछ पता नहीं है। और उन्होंने फिर जो तरीका बताया उसका रिजल्ट ये था कि अगर तुम्हारा एक बाल भी खुश्क रह गया तो तुम जहन्नुम का ईंधन बनोगे। अब इसका नतीजा क्या हुआ? दो मेजर इमीडिएट इश्यूज आई कुड सी राइट देयर। नंबर वन, हर एक ने कहा यार कि अगर जहन्नुम का ईंधन, क्योंकि हर बाल आपका, जितना मर्जी आप कोशिश करें, कोई ना कोई बाल आपका हो सकता है रह जाए कोशिश, तो आपको जहन्नुम का ईंधन बनना है तो व्हाई बॉदर, व्हाई डू एनीथिंग एट ऑल,